नमस्ते दोस्तों, एनवायरनमेंट ओरिएंटेड अभी तक जो हमने बातें की, जो आपने स्कूल में या कॉलेज लेवल में पढ़ा होगा, तो उसमें इनिशियली हमने पढ़ा था 3R कंसेप्ट, 3R प्रिंसिपल, फिर बाद में 4R प्रिंसिपल, 5R प्रिंसिपल, 6R प्रिंसिपल और अभी 7R प्रिंसिपल भी आ चुका है। तो ये जो कैपिटल R है, तो ये कैपिटल आर के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं और अलग अलग बुक्स में या अलग अलग रेफरेंस साइट्स में भी ये आर के अलग अलग मीनिंग दे चुके हैं। तो ये भी नेसेसरी नहीं है कि हर एक आर और एक हर एक इसमें ये स्पेसिफिक वर्डिंग या मीनिंग होना चाहिए, लेकिन सभी का एक ही इंटेंशन या एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आपको एनवायरमेंट रिलेटेड जो निगेटिव प्रॉब्लम्स है उससे आपको प्रोटेक्ट करना है, और वो प्रोटेक्शन के लिए या फिर ओवरऑल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए आपको अलग अलग आर यूटिलाइज करना है। तो ये आर के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। तो एक आर का मीनिंग रिड्यूस हो सकता है, कहीं पे रिसाइकल हो सकता है, कहीं पे रीयूज हो सकता है, कहीं पे रेगुलेट हो सकता है, कहीं पे रिसर्च हो सकता है, कहीं पे रीथिंक हो सकता है, रिफ्यूज हो सकता है या फिर रिड्यूस भी हो सकता है। तो ये अलग अलग आर के मीनिंग्स हैं और इसको ही हम 3R, 6R, 7R प्रिंसिपल्स कहते हैं या फिर कंसेप्ट कहते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि अगर आपने एक आर का मीनिंग लिया है जैसे कि रिड्यूस, तो वो रिड्यूस वर्डिंग आपको एग्जीक्यूट करना है, इंप्लीमेंट करना है आपके इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में, डोमेस्टिक एक्टिविटीज में या फिर जो भी डेली रूटीन की एक्टिविटीज हैं उसमें। इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि जैसे आपको रिड्यूस करना है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का, आपको रिड्यूस करना है प्लास्टिक का कंजम्पशन, आपको रिड्यूस करना है ऐसे सारे मटेरियल्स, ऐसे सारे सब्सटेंसेस जिनकी वजह से एनवायरमेंट पे इंपैक्ट होता है। तो ये रिड्यूस का मीनिंग है। तो ये रिड्यूस का मीनिंग अलग अलग इंडस्ट्रीज में, अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे अगर आपको एग्जांपल लेना है कि आपके कंट्रीज में प्लास्टिक सबसे ज्यादा यूज होता है और बहुत सारे पैकेजिंग में आपका प्लास्टिक यूटिलाइज होता है, तो रिडक्शन ऑफ प्लास्टिक ये एक आपके कंट्री का मोटिव हो सकता है। अगर आपके यहाँ पे पैकेज मटेरियल ज्यादा यूज होते हुए, तो पैकेज मटेरियल पैकेज फूड मटेरियल यानी कि पैकिंग्स रिलेटेड जो भी मटेरियल से वो अगर आप ज्यादा यूज करते होंगे तो उसका भी रिडक्शन करना चाहिए। ये आपका अलग मोटिव हो सकता है अलग कंट्रीज में। जैसे कि डेवलप कंट्रीज में अगर आप देखेंगे तो मिल्क है, तो ये भी पैक होता है, मैक्सिमम पैक मिल्क यूज होते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया या डेवलपिंग कंट्रीज में देखेंगे तो पैक मिल्क बहुत कम यूज होता है और जो नॉर्मल मिल्क है वो यूटिलाइज होता है, यानी कि आप यूटेंसिल्स यूज करते हैं या फिर ऐसे कुछ मेटल या प्लास्टिक के कंटेनर्स यूज करते हैं जो रिसाइकलेबल है या रीयूजेबल है। तो यहाँ पे आपको पैकिंग अगर मटेरियल हम देखेंगे तो पैकिंग मटेरियल यहाँ पे कम यूटिलाइज होगा। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स है जिसका रिडक्शन आपको करना है कंजम्पशन में या यूटिलाइजेशन में। अगर आपके यहाँ पे बहुत फोसाइल फ्यूल्स यूज होते होंगे तो आपको फोसाइल फ्यूल का कंजम्पशन रिडक्शन करना है, तो ये भी रिडक्शन के अंदर आता है। जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, कोल है या फिर CNG है, LPG है, अलग अलग गैस यहाँ पे हो सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे पेट बॉटल्स है तो पेट बॉटल्स का भी कंजम्पशन आपने रिड्यूस करना चाहिए, या फिर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स है उनका भी आपका जो यूटिलाइजेशन है वो भी रिडक्शन करना चाहिए, या फिर जो आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी रिडक्शन करना चाहिए, और जो रिमेनिंग प्लास्टिक मटेरियल है या अलग मटेरियल है उनका रिसाइकलिंग या रीयूजिंग करना चाहिए। तो ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जिनकी वजह से आपको पता चलेगा कि रिड्यूस का मीनिंग क्या है। उसी हिसाब से अगर आप ये 3R प्रिंसिपल्स में से सेकंड आर जो है रिसाइकल,
तो ये रिसाइकल का भी आपको पता चलेगा कि रिसाइकलेबल मटेरियल जो है आपको वो यूटिलाइज करना चाहिए। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था पेट बॉटल यानी कि पॉली यूरिथेन टेरेफ्थैलेट बॉटल, तो ये एक ऐसा केमिकल्स है जिसका एक पर्टिकुलर डेंसिटी के हिसाब से, एक कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से ये पेट आप कंटिन्यू बेसिस पे रिसाइकल कर सकते हैं। तो अगर आप रिसाइकलेबल प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपके जो अलग अलग निगेटिव इम्पैक्ट करने वाले जो मटेरियल है उसका प्रोडक्शन कम होगा, उसका यूटिलाइजेशन कम होगा, उसका यूज कम होगा, जिनकी वजह से ये रिसाइकलेबल मटेरियल का डिमांड बढ़ेगा। तो ये रिसाइकलेबल मटेरियल अगर आप मैक्सिमम यूज करेंगे तो यहाँ पे नॉन रिसाइकलेबल का बर्डन और उसके एनवायरमेंटल एडवर्स इफेक्ट या निगेटिव इम्पैक्ट जो है वो भी यहाँ पे कम हो जाएंगे, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे रिसाइकलेबल प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि अभी कुछ पॉलिथीन बैग्स भी हम यूज कर रहे हैं, लेकिन वो पॉलिथीन बैग्स का जो थिकनेस है उसके बेसिस पे वो डिसाइड होता है कि ये रिसाइकलेबल है या नहीं। या फिर कुछ प्लास्टिक के कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनको हम रिसाइकलेबल मटेरियल कह सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे अलग अलग मटेरियल्स हैं जिनको आपको पहले कैरेक्टराइज करना पड़ेगा कि ये रिसाइकलेबल के क्लासिफिकेशन में आता है या नहीं, तो ऐसे रिसाइकलेबल मटेरियल आपको यूज करना है। उसके अलावा जो रीयूजेबल मटेरियल्स है, जैसे अगर हमने ग्लास का यूज किया या फिर मेटल्स का हम यूज करते हैं, तो ये सभी जो चीजें हैं आप इजीली रीयूज कर सकते हैं। आपको इसको क्लीन करना है, आपको इसको डिसइंफेक्ट करना है और बाद में आप इसको रीयूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो कोल्ड ड्रिंक्स की जो बॉटल्स है, तो ये कोल्ड ड्रिंक्स की जो बॉटल्स आप रीयूज करते हैं और कंपनीज इसको क्लीन करती है, डिसइंफेक्ट करती है और फिर से इसमें ये कोल्ड ड्रिंक्स भरते हैं और उसके बाद में ये वापस से मार्केट में आ जाता है। इसके अलावा अगर आप इंडिया जैसे कंट्रीज में अगर देखेंगे तो किचन्स में मैक्सिमम जो यूटेंसिल्स है तो वो मेटल के होते हैं, उसमें भी स्पेशली अगर हम देखेंगे तो स्टेनलेस स्टील के होते हैं। तो ऐसे सारे जो मेटल्स है जो रीयूजेबल है वो भी आप इजिली क्लीन करके आप रीयूजेबल मटेरियल यूज कर सकते हैं। अगर रीयूजेबल मटेरियल हम यूज करते हैं तो यहाँ पर जो अलग अलग मटेरियल्स की जो क्वांटिटीज रहती है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। आज की मार्केट में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे कंट्रीज यहाँ पे प्लास्टिक मटेरियल भी यूज करते हैं। तो अगर आप किचन में प्लास्टिक मटेरियल यूज करेंगे तो उसके लिए भी स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि नॉर्मल टेम्परेचर या कम टेम्परेचर प्रोडक्ट के लिए, फूड प्रोडक्ट के लिए ही आपको प्लास्टिक यूज करना चाहिए। अगर आप हाई टेम्परेचर पे प्लास्टिक यूज करेंगे या हाई टेम्परेचर प्रोडक्ट या हॉट टी जैसे या हॉट वाटर या हॉट मिल्क जैसे अगर प्रोडक्ट आप प्लास्टिक में यूज करेंगे तो इसमें प्लास्टिक के साथ इसका रिएक्शन होता है और उसका एडवर्स इफेक्ट आपके हेल्थ पे भी होता है और ये प्लास्टिक का जो लाइफ है उस पे भी हो सकता है, तो ये टेम्परेचर का भी इफेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सी बातें और कौन से मटेरियल के बेसिस पे आपको रीयूजेबल मटेरियल्स या रीयूजेबल प्रोडक्ट्स आपको फाइनलाइज करने पड़ेंगे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें रेगुलेशंस भी आते हैं, यानी कि रेगुलेट, आर फॉर रेगुलेट। ये क्यों आता है, जैसे अगर हमने पता लगाया कि प्लास्टिक ये एक ऐसा एलिमेंट है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी वाला ही सबसे ज्यादा यूटिलाइज होता है सभी कंट्रीज में, और प्लास्टिक का अगर हम देखेंगे तो प्लास्टिक की वजह से सॉलिड वेस्ट जो है तो सॉलिड वेस्ट का सबसे ज्यादा बर्डन यहाँ पे आता है और सॉलिड वेस्ट में आपको इसको सेग्रीगेट भी करना पड़ता है और सेग्रीगेशन करने के बाद यानी कि सेपरेशन करने के बाद भी कुछ प्लास्टिक रिसाइकलेबल होता है, कुछ प्लास्टिक नॉन रिसाइकलेबल होता है। तो नॉन रिसाइकलेबल प्लास्टिक अगर हम लैंडफिलिंग में भी डाल देंगे तो वहां पे उसकी जो लाइफ है नॉर्मली प्लास्टिक की लाइफ 1000 ईयर्स तक है, तो अगर इतनी लाइफ होगी तो ये प्लास्टिक का बर्डन ओवरऑल अर्थ पे भी बढ़ते जाएगा और जिनकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होते जाएंगे। तो ये प्लास्टिक एक सबसे प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट है या मटेरियल है, ये हमको पता होने के बाद भी हम बहुत सारे प्लास्टिक
मटेरियल यूज करते हैं और बहुत सारी कंट्रीज यूज करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम रेगुलेट की बात करेंगे तो यहाँ पे प्लास्टिक का यूटिलाइजेशन रिड्यूस करने के लिए या फिर कुछ प्लास्टिक जो नॉन रिसाइकलेबल प्लास्टिक है उनका यूटिलाइजेशन या यूज कम करने के लिए यहाँ पे प्लास्टिक के रिलेटेड एक रूल आ चुका है। तो ये रेगुलेशंस के अंदर है, यानी कि कुछ बातें करने के लिए आपको एनवायरमेंटल एडवर्स इफेक्ट रिड्यूस करने के लिए या फिर मालूम होने के बाद भी अगर लोग उसको फॉलो नहीं करते, इंडस्ट्रीज फॉलो नहीं करती है, तो आपको रेगुलेशंस का सहारा लेना पड़ेगा। और इसकी वजह से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंडिया में 2016 में ऐसे बहुत सारे एनवायरमेंट ओरिएंटेड एक्ट्स और रूल्स आ चुके हैं और कुछ रूल्स इंप्लीमेंट या मॉडिफाई या अमेंडमेंट यहाँ पे आ चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे ये प्लास्टिक रूल उसका एक एग्जांपल है, या फिर हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट का एक रूल है, वहां पर भी वेस्ट ओरिएंटेड है। उसके अलावा जो ओजोन रूल डिप्लीशन है उसके ओरिएंटेड भी यहाँ पे रूल आ चुका है। तो ये ऐसे बहुत सारे जो रूल्स है ये सभी रूल्स एनवायरमेंट ओरिएंटेड आ चुके हैं। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ये मेन इंटेंशन याद रख के आपको कुछ रेगुलेशंस यहाँ पे ऐड करने चाहिए और उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी करने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये कुछ रूल्स पहले जो थे उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशंस, जैसे कि स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स और स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस भी यहाँ पे आ चुके हैं। जैसे कि अगर हम देखेंगे तो प्लास्टिक का हम यूटिलाइज करते हैं, उसमें अगर स्पेसिफिक हम पॉलिथीन बैग्स जो हम देखेंगे तो ये पॉलिथीन या पॉलीथिलीन जिसको हम कहते हैं, तो ये पॉलिथीन बैग्स के लिए इन्होंने गाइडलाइंस रखी है कि 50 माइक्रोन साइज के बैग्स ही आपको अलाउड है, यानी कि लेस देन 50 माइक्रोन साइज के जो पॉलिथीन बैग्स है वो आपको अलाउड नहीं है। तो अगर हम स्पेसिफिक महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में ये रूल्स इंप्लीमेंट किया है, एग्जीक्यूट किया है, और 50 माइक्रोन साइज से कम अगर पॉलिथीन बैग्स है तो उस पे आपको पेनल्टी या फाइन लग सकता है। तो ये 1000 से 5000 तक पेनल्टी आपको यहाँ पे लग सकती है, यानी कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस का भी सहारा लेके एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी रूल्स अगर फॉलो नहीं करते लोग तो वहां पे फाइन या पेनल्टीज का भी आप हेल्प ले सकते हैं, जिनकी वजह से आपको ये ओवरऑल एडवर्स इफेक्ट करने वाले जो मटेरियल्स है उनको आपको कंट्रोल करना है। उसके अलावा एक आर है रिसर्च। तो ये जो रिसर्च आर है तो ये स्पेसिफिकली ये मटेरियल ओरिएंटेड रिसर्च की बात करता है। तो जैसे कि हमने कहा है कि अगर आप फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं तो उसकी वजह से कार्बन एमिशंस होता है, ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट होता है और यहाँ पे एनवायरमेंट पे एडवर्स इंपैक्ट होता है। तो अगर आपके यहाँ पे कोई ऐसे कुछ फ्यूल्स है जिसमें कुछ एडिटिव्स आप ऐड करते होंगे या फिर जिसकी वजह से पोल्यूशन कम हो जाएगा या फिर उसका जीएचजी लोड कम हो जाएगा, जैसे कि अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पेट्रोल का हमने एग्जांपल देखा था, तो पहले जो पेट्रोल थे उसमें लेड यूज होता था, यानी कि प्लबम जो एक एंटी नॉकिंग एजेंट है, यानी कि पेट्रोल जब आप यूज करते हैं व्हीकल्स में तो उसमें आईसी इंजिन्स में नॉकिंग होता है, यानी कि आवाज आता है आईसी कंबशन के टाइम में, तो यहाँ पे वो आवाज कम करने के लिए एंटी नॉकिंग एजेंट यहाँ पे लेड यूज किया जाता था। लेकिन ये कंबशन की वजह से यहाँ पे लेड ऑक्साइड तैयार होता था और ये लेड ऑक्साइड पॉइजनस और टॉक्सिक मटेरियल है जिसकी वजह से हेल्थ पे भी इम्पैक्ट होता था और एनवायरमेंट पे भी इम्पैक्ट होता था। तो ये रिसर्च की वजह से बाद में पता चला कि लेड को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दूसरा सब्स्टिट्यूट दे सकते हैं, और जिनकी वजह से अभी अनलेडेड पेट्रोल आ चुका है। तो ऐसे बहुत सारे रिसर्च एक्टिविटीज हैं जिनके बेसिस पे आपको ये अलग अलग एक्टिविटीज को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि नॉन रिन्यूएबल जो सोर्सेस है एनर्जी सोर्सेस, उसकी जगह हम अगर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस यूज करते हैं तो ये रिसर्च एक्टिविटी होगी। जैसे कि यहाँ पे हमने सोलार बेस पावर प्लांट्स यानी कि पावर जनरेशन प्लांट या फिर विंड बेस पावर प्लांट्स या फिर सोलार बेस पंप्स या सोलार बेस व्हीकल्स
ये ऐसे अलग अलग रिसर्च एक्टिविटीज शुरू किए हैं जिनकी वजह से आपको ये पता चले कि अगर आपको पेट्रोल या डीजल या सीएनजी की जगह आपको यहाँ पे अगर हमने सोलर पैनल यूटिलाइज किया, सोलर एनर्जी का यूटिलाइज किया, पावर जनरेट किया और पावर के बेसिस पे अगर हमने बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स हमने यहाँ पे स्टार्ट किया तो उसका डिफरेंस क्या आएगा। अगर हमने जो पावर जनरेशन नॉर्मली अपना कोल बेस है या फिर पेट्रोल बेस है या फिर डीजल बेस है या फिर जो गैसेस बेसिस है उसकी जगह अगर हमने सोलार या विंड का हमने यूटिलाइजेशन किया तो उसका डिफरेंस क्या आता है और उसका कार्बन एमिशन कितना कम होता है, पोल्यूशन कितना कम हो जाता है, या फिर जो आप एग्रीकल्चरल यूटिलाइजेशन के लिए या इंडस्ट्रीज में जो पंप्स यूज करते हैं अगर वो हमने पंप्स डीजल की जगह हमने सोलार बेस अगर पंप यूटिलाइज किए तो उसका डिफरेंस क्या आता है। तो ऐसे अलग अलग रिसर्च एक्टिविटीज आपको करनी होगी और आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि एनवायरमेंट पे जो एडवर्स इम्पैक्ट है वो कम से कम कैसे होंगे, कार्बन एमिशंस कम से कम कैसे होंगे और अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी आप यहाँ पे एक रिसर्च का एक पार्ट है। तो ऐसे बहुत सारे रिसर्च यहाँ पे चल रहे हैं कि जहाँ पे मटेरियल का रिप्लेसमेंट भी होता है, अगर आपको मटेरियल चेंज करना है उसकी वजह से भी आपका एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट कम कैसे होगा, या फिर कार्बन एमिशन कम करने के लिए आपको अलग अलग टेक्नोलॉजीज के अडॉप्ट करनी चाहिए उसके लिए भी रिसर्च हो सकता है, या फिर जो अलग अलग कंबशन प्रोसेस है उसमें भी क्लीन कंबशन कैसे करना चाहिए उसके लिए भी यहाँ पे रिसर्च हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज हैं जहाँ पे रिसर्च बेसिस पे आप एनवायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर आपका जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है वो भी आप कम कर सकते हैं। रीथिंक है तो यहाँ पे ये आर का एक यूज है रीथिंक। तो रीथिंकिंग प्रोसेस क्या है कि अगर आप प्लास्टिक बॉटल, सिंपल एग्जांपल है, अगर आप प्लास्टिक बॉटल यूज कर रहे हैं तो आपने रीथिंक करना चाहिए कि ये प्लास्टिक बॉटल की जगह मुझे रिसाइक्लेबल प्लास्टिक यूज करना चाहिए क्या, या फिर मुझे मेटल बॉटल्स यूज करना चाहिए या फिर ग्लास बॉटल यूज करना चाहिए। तो ये रीथिंकिंग प्रोसेस क्यों है, क्योंकि ये अगर मैंने प्लास्टिक बॉटल यूज किया तो इसकी वजह से ओवरऑल अर्थ पे या एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट क्या होने वाला है, लोड क्या आने वाला है और उसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है। तो ये सिंपल सा रीथिंकिंग प्रोसेस है, अगर मैंने रिसाइक्लेबल यूज किया तो क्या हो सकता है, मेटल यूज किया तो क्या हो सकता है, ग्लास यूज किया तो क्या हो सकता है, या फिर जैसे अभी हमने बात की थी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हम यूज कर रहे हैं उसकी जगह अगर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हमने यूज किया तो उससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। भले ही आप टेक्निकल चेक कर सकते हैं या फिर इकोनॉमिकली भी चेक कर सकते हैं कि इसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये जो रीथिंकिंग प्रोसेस है ये यहाँ पर एनवायरमेंट ओरिएंटेड रीथिंकिंग प्रोसेस है। तो आपको कॉस्टिंग के बारे में तो सोचना ही है लेकिन उसके अलावा मेनली आपको एनवायरमेंट के बारे में सोचना है कि अगर मैंने इसका यूटिलाइजेशन किया तो इसकी वजह से पोल्यूशन लोड कितना कम होगा, जिसकी वजह से कोल का यूटिलाइजेशन कितना कम होगा, जिसकी वजह से कार्बन एमिशन कितना कम होगा और फिर जीएचजी एमिशन और ग्लोबल वार्मिंग की बेसिस पे भी यहाँ पे क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो ये ओवरऑल रीथिंकिंग के बहुत सारे एग्जांपल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर है रिफ्यूज। तो जैसे अभी ये आपको डिसाइड करना है कि आपको एग्जैक्टली क्या रिजेक्ट करना है या फिर क्या रिफ्यूज करना है। जैसे अगर आप कोई ग्रोसरी शॉप में चले जाते हैं और वहां पे अगर वो जो पर्सन है अगर वो आपको पॉलिथीन बैग देता है तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी थिंकिंग क्या है उसके बेसिस पे आपको अगर एनवायरमेंट ओरिएंटेड अगर आपको सोच है अच्छी तो ये आप पॉलिथीन बैग रिफ्यूज कर सकते हैं। अगर एक पर्सन ने ये एक पॉलिथीन बैग एट ए टाइम ये रिजेक्ट की तो ऐसे बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह यहाँ पे अगर रिफ्यूज करते हैं या रिजेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली जो पॉलिथीन बैग का प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगा, उसका जो यूज है वो भी रिड्यूस हो जाएगा और उसका जो एज अ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो बर्डन आता है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये इसके लिए सिंपल सा सोल्यूशन क्या है कि आपको पॉलिथीन जैसे कॉम्पोनेंट्स या प्लास्टिक जैसे जो कॉम्पोनेंट्स है उसको रिफ्यूज करना चाहिए और आपके जो रीयूजेबल बैग्स है या फिर जो इको फ्रेंडली मटेरियल से जो यूज होते हैं जो बैग्स हैं या फिर रिसाइक्लेबल या रीयूजेबल बैग्स है वो आपको यूज करना चाहिए।
आपको सिंपल सा काम क्या करना है कि आप जब भी व्हीकल में जाते हैं या फिर आपको कुछ परचेज करना है तो आपको ये जो रेगुलर जो बैग्स है आपके इको फ्रेंडली बैग्स या रिसाइकलेबल या रियूजेबल बैग्स उसको लेके जाना है तो उसके बेसिस पे आपको ये पॉलिथिन बैग्स का रिफ्यूजल इजी हो जाएगा। अगर आपके पास कुछ नहीं होगा तो उस टाइम आप ये पॉलिथिन बैग्स आप कैरी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये थोड़ी सी बैग्स के लिए आदत लगा दी तो इसका लोड भी आपका कम हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे अगर आपको अभी मिल्क परचेस करना है, आपको दूध लेने के लिए जाना है, तो आप अगर मेटालिक यानी कि यूटेंसिल्स अगर आपका ले जाते हैं, आपके खुद का कुछ यूटेंसिल्स लेके जाते हैं या फिर कुछ का खुद का कुछ बॉटल लेके जाते हैं, तो यहाँ पे जो पैकिंग होती है मिल्क की जो पॉलिथिन बैग्स में नॉर्मली करते हैं और वो देता है, तो वो भी यहाँ पे अवॉइड हो सकते हैं। तो ये रिफ्यूजल आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके ये प्लास्टिक बैग्स या जो पॉलिथिन बैग्स है इसका रिफ्यूजल आपको करना चाहिए। तो ये बात थी प्लास्टिक की ओरिएंटेड। अगर ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे यहाँ पे अगर आपको अवेलेबल है लीडेड पेट्रोल और अनलीडेड पेट्रोल, तो आपको ऑब्वियसली अनलीडेड पेट्रोल के लिए जाना चाहिए, जिसकी वजह से लेड ऑक्साइड और उसके जो पॉइजनस और टॉक्सिक कैरेक्टरिस्टिक्स के जो इफेक्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। उसके अलावा आपको ये अलग अलग टेक्निक्स अडॉप्ट करनी चाहिए और यहाँ पे जिस मटेरियल की वजह से एनवायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो रिफ्यूज करना चाहिए। जैसे कि अगर आपको एयर कूलर या एयर कंडीशनर ऑप्शन है तो आपको एयर कूलर के लिए जाना चाहिए। अगर आपको एयर कूलर और फैन ऑप्शन है और आपका अगर रूम कंफर्टेबल हो जा सकता है तो आपको फैन के लिए जाना चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होने वाला है कि जो वैटेज है या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो भी रिड्यूस हो जाएगा और उसके बेसिस पे कोल का कंजम्पशन कम हो जाएगा और फिर से जो एमिशन से कार्बन एमिशन से वो कम हो जाएगा। या फिर अगर आपने एनर्जी इफिशियंट टेक्नोलॉजीज आपने लिया है, क्योंकि एनर्जी इफिशियंट टेक्नोलॉजीज नॉर्मली कॉस्टली होती है और एफिशियंट जो नहीं होती है तो वो एक्चुअली चीपर होती है, लेकिन ये जो चीपर आप देख रहे हैं आज की इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, तो ये एक्चुअली आपने रिफ्यूज करना चाहिए, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए, आपको एनर्जी कंजम्पशन के बारे में सोचना चाहिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में सोचना चाहिए और एनवायरमेंट के बारे में। ये जो रिड्यूस के बारे में हमने कहा था, रियूज के बारे में कहा था और ये रिसाइक्लेबल बार। तो अगर जब हम 3R प्रिंसिपल या 3R प्रिंसिपल के बारे में सोचेंगे तो ये आपको रिड्यूस, रियूज और रिसाइकल के बारे में बताना है और फिर बाकी के जो R ऐड होते हैं तो वो अलग अलग जो बुक्स या अलग अलग रेफरेंसेस है उसके बेसिस पे अलग अलग R हो सकते हैं। तो अभी हमने रेगुलेट के बारे में भी बात की, रिसर्च के बारे में बात की, रीथिंक के और रिफ्यूज के बारे में भी बात की। तो ये 4R और ये 3R जो है ये 7R प्रिंसिपल भी हो सकते हैं। अगर आपको डिटेल्स में देखना है तो ये रिफ्यूज के लिए भी आप कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि ये हमने बात की थी प्लास्टिक की, तो यहाँ पे ये रैपिंग प्लास्टिक है या फिर पॉलिथिन बैग्स है उसको आप रिफ्यूज कर सकते हैं। अगर आपको रिडक्शन करना है तो यहाँ पे जो जहाँ पे वाटर कंजम्पशन ज्यादा होता है, एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा होता है, ऐसे कुछ टेक्निक्स आपको यहाँ पे रिड्यूस करनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे कुछ डिटर्जेंट्स भी कुछ एक्सेस में यूटिलाइज होता होगा, या फिर अगर आपको नॉन पेरिशेबल फूड्स आप यूज करते होंगे, या फिर अगर लार्जर साइज टॉयलेटरीज आप यहाँ पे यूज करते होंगे, तो ये सभी चीजें के बारे में आपको सोचना है कि ये इतना क्वांटिटी आपको ये नीडेड है या नहीं। अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो आपको कम से कम ये सभी मटेरियल्स यूज करना चाहिए, तो चाहे वो वाटर हो, चाहे वो प्लास्टिक मटेरियल हो, चाहे वो फूड मटेरियल हो, या वो फ्यूल्स हो, या कोई भी। उसके अलावा जो रियूजेबल प्रोडक्ट्स है तो वो आपको मैक्सिमम अडॉप्ट करनी चाहिए, और जैसे कि आप अगर आपके यहाँ पे कोई फर्नीचर है और फर्नीचर अभी वो पुराना हो चुका है तो आप दूसरे लोगों को दे सकते हैं जिन्होंने अभी तक फर्नीचर यूज नहीं किया है, जिनको उसकी वैल्यू है, तो ये फर्नीचर भी आप उनको डोनेट कर सकते हैं। अगर आपको सेल करना है तो आप वो सेल भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स जैसे होते हैं इलेक्ट्रिकल के इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स होते हैं, या फिर जो पुराने बाइक्स होती है, या फिर जो रियूजेबल फोन्स होते हैं, अगर आपको फोन चेंज करना है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चेंज करना है, तो आप ये रीसेल कर सकते हैं या फिर उसको डोनेट करना चाहिए। अगर ये एज अ वेस्ट मैनेजमेंट के फ्लो में जाएगा तो उसका बर्डन बढ़ते जाएगा, या फिर ये ई वेस्ट कैटेगरी का वेस्ट होगा तो उसका भी बर्डन
बढ़ते जाएगा। इसलिए रियूजेबल मटेरियल्स आपको यूटिलाइज करना चाहिए, यूज एंड थ्रो जो मैक्सिमम जगह यूज होता है वो आपको यहाँ पे अभी रिफ्यूज करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए। उसके अलावा जो हमने रिसाइक्लेबल आइटम्स के बारे में बात की थी, तो रिसाइक्लेबल बैटरीज के बारे में भी आज के डेट में आपको ज्यादा सोचना होगा। जो प्रिंटर के कार्ट्रिजेस है वो रिसाइक्लेबल होने चाहिए, रिफिलिंग कार्ट्रिजेस होने चाहिए, जो वेस्ट इलेक्ट्रिकल्स है वो भी रिसाइक्लेबल होने चाहिए, और ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स है जो हम रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, अगर आपने वो रिसाइक्लेबल मटेरियल आपने अडॉप्ट किए तो आपका ओवरऑल एनवायरमेंट का बर्डन जो है वेस्ट का वो कम हो जाएगा। और रिकवरेबल जो आइटम्स है वो भी आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी जगह अगर प्रोसेस में देखेंगे तो सॉल्वेंट यूज होता है, तो वो रिकवरेबल सॉल्वेंट्स यूज होना चाहिए, या फिर अगर आप वाटर यूज करते हैं तो वाटर को फिल्टर करके या फिर अलग अलग टेक्निक्स यूज करके भी आपको वो रिकवर करना चाहिए, या फिर कुछ वैल्यूएबल मटेरियल से या वैल्यूएबल प्रोडक्ट से वो भी रिकवर होते होगी, तो ऐसे ही कुछ आपको प्रोसेस अडॉप्ट करनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है जिसमें आपको एनवायरमेंट को बचाने के लिए अलग अलग आर के जो कंसेप्ट से या मीनिंग से वो आपको यूटिलाइज करना चाहिए। तो इसमें ये सिंपल से एग्जांपल्स है, जैसे ये वेस्ट जनरेशन सेग्रीगेशन होगा, तो यहाँ पे ये कलेक्शन करने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें से रिसाइक्लेबल वेस्ट कितनी है, सेग्रीगेटेड वेस्ट कितनी है, स्पिलेज कितना हो रहा है, और फिर यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स है उनके लिए भी यहाँ पे जो फॉसाइल फ्यूल लगता है उसका भी कॉस्टिंग कितना जाता है, और उसका भी एडवर्स इम्पैक्ट जो है वो एनवायरमेंट पे हो जाता है। तो इसमें भी अगर हम देखेंगे तो ये कलेक्शन में रिसाइक्लेबल आइटम्स वेट वेस्ट में 63%, ड्राई वेस्ट में 81% रिसाइक्लेबल आइटम्स हो सकते हैं, तो ये आपके लिए पॉजिटिव बातें हैं। और ये परसेंटेज इंसिनरेशन 18% मटेरियल है या लैंडफिलिंग के लिए 63% मटेरियल है, तो ये परसेंटेज हर साल हर कंट्री में अलग अलग तरीके से बढ़ने ही वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सोचना होगा कि बैटरीज के बारे में आपको रिसाइक्लेबल बैटरीज कितना यूज करना है, या फिर आपको प्लास्टिक रिसाइक्लेबल कितना यूज करना है, या फिर मेटल या ग्लासेस जैसे मटेरियल जो यूज रियूजेबल है वो कितने यूज करना है, जिसकी वजह से ये वेस्ट का जो बर्डन है वो यहाँ पे कम हो सकता है। और फिर ये जो टेक्नोलॉजी नॉर्मली हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में देखते हैं, तो इसमें से आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो वेस्ट जनरेट होती है डोमेस्टिक लेवल पे या इंडस्ट्री लेवल पे, ये कलेक्ट होती है, बाद में प्लांट में जाती है और फिर ये प्रोसेस हो जाती है। अगर ये कुछ वेस्ट कन्वर्टेड है, कन्वर्ट करने लायक है, या फिर कुछ यहाँ पे आपको हीटिंग प्रोसेस यूटिलाइज करने पड़ते हैं, कुछ प्रोसेसेस यूटिलाइज करना पड़ते हैं, और उसके बेसिस पे भी आप यहाँ पे कुछ फ्यूल भी जनरेट कर सकते हैं, कुछ गैसेस जनरेट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स हैं कुछ कंट्रीज में जहां पे आपकी जो सॉलिड वेस्ट है वो सॉलिड वेस्ट भी यहाँ पे कन्वर्ट हो सकती है फ्यूल में या गैसेस में या इलेक्ट्रिसिटी में या फर्टिलाइजर्स में। तो ऐसे कुछ प्लांट्स है कि जो सॉलिड वेस्ट है उनका वो कन्वर्जन ये अलग अलग एनर्जीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो एक प्लांट है वो फर्टिलाइजर प्रिपेयर करता है, एक प्लांट जो है वो होटल वेस्ट जो है वो होटल वेस्ट का भी यूटिलाइजेशन करते हैं, और होटल वेस्ट का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कैलोरीफिक वैल्यू उसका यूटिलाइजेशन करके वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो ये ऐसे बहुत सारे प्लांट्स बहुत सारी प्रोसेस हैं जहां पे ये 7R प्रिंसिपल आप अप्लाई कर सकते हैं और एनवायरमेंट का जो बर्डन है वो आप यहाँ पे कम कर सकते हैं।